प्यारे बच्चों, आज हम BA पार्ट 1 MIL अनिवार्य हिंदी रचना पत्र पढ़ेंगे। इस विषय को पढ़ने के क्रम में अपना पाठ्यक्रम जब हम देखते हैं तो पाठ्यक्रम में कुछ पाठ में निर्धारित है। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत तीन पुस्तक और व्याकरण के बारे में हमें जानना है। MIL हिंदी के अंतर्गत कितने चौराहे, फणीश्वरनाथ रेणु की किताब है, काव्य भारती संपादित है जिसके संपादक डॉक्टर जनक शाह हैं, गद्य जीवितम भी संपादित पुस्तक है जिसके संपादक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी किताब का हमारे सिलेबस में अर्थात पाठ्यक्रम में उल्लेख किया गया है व्याकरण भास्कर। व्याकरण भास्कर पुस्तक के रचनाकार डॉक्टर वासुदेव नंदन, माफ करें, डॉक्टर बच्चन देव कुमार। तो व्याकरण के लिए सहायक ग्रंथ के तौर पे आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पढ़नी है। दूसरी पुस्तक है व्याकरण की व्याकरण भास्कर जिसके रचनाकार डॉक्टर बच्चन देव कुमार हैं। गद्य जीवितम, गद्य जीवितम पुस्तक के संपादक डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह हैं। इस पुस्तक में जिन रचनाकारों की रचनाएं हमें पढ़नी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिचंद की रचना है। कवियों की उर्मिला विषय उदासीनता महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की रचना है। मधुवा जयशंकर प्रसाद की है। शुष्को वृक्ष इसके लेखक सियाराम शरण गुप्त हैं। मंगर के लेखक श्री राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। दुर्मुख खरगोश महादेव वर्मा की रचना है। वसंत आ गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मंदिर और राजभवन इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। शत्रु शत्रु के लेखक अज्ञेय हैं। भोर का तारा इस रचना के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर हैं। कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी इसके रचनाकार डॉक्टर श्याम नंदन किशोर हैं। माली गुरुजी इसके रचनाकार प्रमोद कुमार सिंह हैं। गद्य जीवितम के अतिरिक्त दूसरी किताब हमें जो पढ़नी है काव्य भारती। काव्य भारती के अंतर्गत कुछ कविताओं को पढ़ना है और इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर जनक शाह हैं। इसमें हम कुछ प्रमुख कवियों की
कविताएं देखेंगे। और इस क्रम में भारतेंदु हरिचंद की रचना भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा के अतिरिक्त काशी वर्णन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाउद के बारे में भी पढ़ना है, जिनकी रचना है फूल और कांटा, माता यशोदा। मैथिली शरणगुप्त की रचना जो है हम कौन थे, इसे पढ़नी है। इसके अतिरिक्त कह मुक्ति, भला किस लिए तुम तुझे मैं पाऊँ, कह मुक्ति भला किस लिए तुझे मैं पाऊँ, यह रचना बहुत ही प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद की रचना ले चल मुझे बुलावा देकर, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है बंदीखाना, पुष्प की अभिलाषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है रुखी री यह डाल और तोड़ती पत्थर, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ताज एक तारा, महादेवी वर्मा की रचना है मैं नीर भरी दुख की बदली और मंदिर दीप। इसके अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर की रचना है व्याल विजय हिमालय। राम इकबाल सिंह राकेश की रचना धनकटनी रणश्रृंगी। धनकटनी और रणश्रृंगी दो कविताएं यहाँ हम पढ़ेंगे। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, इनकी जिस रचना का हम अध्ययन करेंगे इस पाठ्यक्रम में वह है नदी के द्वीप, सामग्री का नैवेद्य दान नागार्जुन। नागार्जुन की रचना यहाँ पर है कालिदास, बादल को घिरते देखा है। धर्मवीर भारती की रचना है टूटा पहिया अंधा युग। डॉक्टर श्याम नंदन किशोर की रचना है दीपक और छाया, भारती के नाम कवि का पत्र, दो रचनाएं हैं इसमें, दीपक और छाया एक अलग कविता है, दूसरी कविता है भारती के नाम कवि का पत्र। इन दोनों कविताओं के रचनाकार डॉक्टर श्याम नंदन किशोर हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह की रचना है मृत्यु और मधु छत्र। इसके अतिरिक्त इनकी दूसरी रचना है छागलो उपनिषद, और अंत में संक्षिप्त कवि परिचय, इसका अध्ययन करना है इस पुस्तक के अंतर्गत। और हम देखें कि अनिवार्य हिंदी रचना पत्र जो MIL है, इसके अच्छी तरह से देखें, पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग आसानी से इन सारे विषय को पढ़ सकते हैं और हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए आए हम सबको अपने अंदर रुचि जगानी पड़ेगी। और हिंदी साहित्य को समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम बड़े आदर के साथ याद किया जाता है, वह हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। इस रचना के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ने से काफ़ी चीज़ें हिंदी की स्पष्ट हो जाती हैं और हमें अपने को समझने में भी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगले क्लास में हम बच्चों इन विषय के अंतर्गत किसी विषय विशेष पे विस्तार से चर्चा करेंगे। शुक्रिया।